बिलाल भाई को मैं साथ ले आया था, क्योंकि ना रास्ते में मैंने कहा यार ड्राइवर दो होने चाहिए, इनका भी लाइसेंस बना हुआ है, मेरा भी लाइसेंस बना हुआ है। ये हमारी डील आ चुकी है अली भाई को, अभी हम छोड़ने लगे हैं, फैसलाबाद पहुंच गए हैं, बस यहाँ पे इनका स्टॉप। अभी जनाब हम घर से निकल गए हैं और अभी हम अपना जो ब्रिज है ना ये क्रॉस कर रहे हैं, इस तो अभी हम फैसलाबाद टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। इब्राहिम जनाब रेडी हो चुका है, मिठू बड़ा प्यारा लग रहा है, तुमने भी मेरे जैसा ब्लैक सूट पहन लिया, वाह। तो मैंने सारा गाड़ी में रख लिया, उसके अलावा कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे पड़ी हैं जैसे मेडिसिन वगैरह, और उसके अलावा मेरा लैपटॉप का बैग पड़ा है, उसके अंदर कुछ गैजेट्स वगैरह है और ये मेकअप का सामान है, तो ये चीज़ें अभी ना यहाँ पे पड़ी हैं, ये भी अभी गाड़ी में रखेंगे बाकी। और अभी अवैस भी रेडी हो चुका है, अवैस तुमने भी ब्लैक पहन लिया, वेरी गुड। अवैस ने भी ब्लैक सूट पहना है और मैंने भी ब्लैक सूट पहना है और इब्राहिम ने भी ब्लैक सूट पहना है। मोहम्मद अली हमारे पास आया था फैसलाबाद से, तो ये जो अली है ना ये समझ ले कि जो मेरी सिस्टर है ना उसका बेटा है, तो माशाल्लाह इसका भी यूट्यूब का चैनल है फूड के वाले से, सना सीक्रेट रेसिपी। तो इसको ना असल में मोबाइल चाहिए था, मतलब अपने चैनल के लिए, इनका जो मोबाइल था ना उसके अंदर उसका जो वीडियो का रिजल्ट था ना वो येलो येलो सा आता था, तो फिर अली ने कहा यार जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना मैंने वही लेना है। तो अली भाई फिर आपको मिल गया वो मोबाइल? मिल गया। तो कैसा रहा फिर, कहाँ पे मोबाइल दिखाओ? अच्छा, ये है जनाब, कौन सा मॉडल है? Note 10 Pro। मेरे पास भी Mi Note 10 Pro है, मेरा मोबाइल मेरा हल गाड़ी में पड़ा है। अभी जनाब हम घर से निकल गए हैं और अभी हम अपना जो ब्रिज है ना ये क्रॉस कर रहे हैं, इस फैसलाबाद रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, तो ये देखिए जगह जगह पे ना जो पाइप सीवरेज के डालते हैं ना तो उससे ये यहाँ पे काफ़ी मसला ख़राब है। तो अभी हम फैसलाबाद टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, अभी हम फैसलाबाद पहुँच चुके हैं, ये फैसलाबाद का ब्रिज चढ़ रहे हैं GTS वाला। अली भाई को अभी हम छोड़ने लगे हैं, फैसलाबाद पहुंच गए हैं, बस यहाँ पे इनका स्टॉप आने लगा गेट। बाहर बड़ी गर्मी है, अली भाई को मैंने उतार दिया है, सामने इनका घर है, बल्कि सामने इनकी होजरी की शॉप है, तो वहाँ पे वो चला जाएगा। हम इस टाइम पहुँच गए हैं मेट्रो कैश एंड कैरी, बच्चे फुल एक्साइटेड है, इन्होंने मेरा ख्याल है कैश एंड कैरी कभी नहीं देखी मेट्रो। अच्छा गाड़ी को लॉक करते हैं, तो क्या सीन है अंदर जाके देखते हैं जनाब, और कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से बच्चों की वो लेते हैं, और उसके अलावा एक मुझे चाहिए था मोबाइल का स्टैंड जिस पे के मोबाइल लगा के हम नेविगेशन वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ कोई अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं, तो वो यहाँ से लेंगे। तो अभी चलते हैं आपको मेट्रो का भी सीन दिखाते हैं। तो अभी मेट्रो एंटर हो गए हैं, तो मैंने वाशरूम जाना था, मैंने कहा चले मैं पहले वाशरूम से होके आता हूँ, ये टॉयलेट इस साइड पे लेडीज़ जेंट्स इकट्ठा ही है। अच्छा ये लेडीज़ है, ये जेंट्स का। अच्छा बेल्ट नहीं मिली, चलो कोई खाने पीने की चीज़ें ले लें फिर, बेल्ट आगे देख लेंगे। क्या है, बेल्ट चाहिए थी बच्चे को ना कैरी करने के लिए, होती है बेल्ट वो यहाँ पे शोल्डर पे पहन के और बच्चा उसमें कंफर्टेबल रहता है, तो हम जैसे आगे जा रहे थे तो मैंने कहा वो ज़रा ना इजी मॉल हो जाएगा उसके साथ, तो यहाँ से बेल्ट मेट्रो से भी नहीं मिल रही, अब इस्लामाबाद जाके पता करेंगे कि वहाँ पे शायद मिल जाए। बच्चे जब भी हम जाते हैं ना ग्रोसरी करने तो इसमें बैठ जाते हैं, ये ट्रॉली में बड़े शौक से बैठते हैं, तो इनको जनाब ट्रॉली में बिठा दिया है। क्या लेना है? पीनट लेनी है, पीनट देख लो वहाँ से तुम ले लेना, अखरोट पीनट फ्रेश मिलेगा मरी से सारा कुछ आपको। ये है मेट्रो का जो नट्स सिस्टम है, ये है जनाब पिस्ता काजू और इसके अलावा बादाम, लेकिन इसकी जो प्राइस है ना 1290 रुपये के, ये 250 ग्राम है। यहाँ से हमें चाहिए गाड़ी में ना मोबाइल का होल्डर चाहिए, मोबाइल को अटैच करने के लिए, तो अभी यहाँ से पूछते हैं कि वो मुझे यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ से ना वो होल्डर नहीं मिल रहा, बड़ी कोशिश की है भाई से पूछा, वो कहते पहले हमारे पास अवेलेबल थे
लेकिन अभी वो सारे सेल हो चुके हैं, तो मेट्रो पे भी अब ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बाकी इस्लामाबाद में जाके देखते हैं, शायद वहाँ पे हमें ये मिल जाए। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम ना फैसलाबाद इंटरचेंज से ना पिंडी पट्टिया वाली मोटर पे इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ से अभी हमारा सफ़र स्टार्ट होगा इस्लामाबाद का। तो बस अल्लाह ताला खैर वफ़ियत से पहुँचाए इंशाल्लाह, फिर इस्लामाबाद जाके ना आगे फिर आपसे इंशाल्लाह रब्ता करते हैं। ले जी ये मोटरवे पे हमारा ना सेकंड एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं 8 साल पहले इस मोटरवे पे गाड़ी चलाई थी, 8 साल बाद अभी इस मोटरवे पे ना दोबारा मैं इंटर हुआ हूँ। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 1-2 दफ़ा आए हैं, लेकिन इस अपनी गाड़ी पर 2री दफ़ा आया हूँ। मुश्किल से टाइम निकाला, तो अभी इंशाल्लाह ताला हर चीज़ फिर के आएंगे, जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं सारे एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। अभी हम ना बेरा इंटरचेंज में रुके हैं, यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि खाना वगैरह खाना है, तो मैंने कहा चले यहाँ पे ना KFC है, मैकडोनल्ड है, और उसके अलावा यहाँ पे हार्डी 3-4 ब्रांड इकट्ठे हैं। तो अभी हम KFC पे जाएंगे और KFC से कुछ लेते हैं जाके यहाँ से। आइसक्रीम मिल गई जी, ये हमारी डील आ चुकी है। 4 जिंगर हैं, 4 ये पीसीज हैं, और उसके अलावा ये फ्राइज और 4 कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है लो। अभी जनाब हमने बच्चों को चिकन वगैरह KFC का खिला दिया है। अभी हम दोबारा निकले हैं इस्लामाबाद के लिए, और यहाँ से है कोई 110-115 किलोमीटर। बिलाल भाई को मैं साथ ले आया था, क्योंकि ना रास्ते में मैंने कहा यार ड्राइवर 2 होने चाहिए, इनका भी लाइसेंस बना हुआ है, मेरा भी लाइसेंस बना हुआ है। तो फिर ना अभी बिलाल भाई गाड़ी चलाएंगे इस्लामाबाद तक, आगे जो चढ़ाइयों वाला सफ़र है ना फिर वो मैं करूँगा आगे जाके। अभी यहाँ से ना कलर कहार कोई तकरीबन कोई 30 किलोमीटर है, तो अभी यहाँ पर हमें पहाड़ी सिलसिला भी उसका नज़र आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल लाइट से अभी नज़र आ रहे हैं जैसे कि बादल होते हैं। तो जैसे जैसे हम इसके करीब जाएंगे ना, तो ये हमें जनाब बिल्कुल प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, अच्छी तरह नज़र आएंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए जी ये सीन चेक करें, ये सारे पहाड़ हैं, हमें ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे बादल है। ये जो कलर का हार का ना सबसे जो ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये है। तो जब भी मैं लाहौर से इस्लामाबाद या साहिवाल से इस्लामाबाद आता हूँ ना, तो इस एरियाज़ में आके ना हमें एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, पहाड़ों वाली फीलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ के सीन, जैसे ये एकदम से रोड मूव कर रहा है और उसके बाद रोड्स पहाड़ ऊपर काफ़ी ऊंचे पहाड़ है और रोड काफ़ी नीचे तक रोड जा रहा है, फिर नीचे जाके और स्लाइड फिर ऊपर जा। अभी हम ना इस्लामाबाद के तकरीबन करीब तरीन है, पहले हमारा इरादा बन रहा था एबटाबाद जाने का, और उसके बाद पहले मैंने सोचा था यार बालाकोट जाते हैं, लेकिन बालाकोट और एबटाबाद दोनों चीज़ें ये ना अभी दूर है यहाँ से काफ़ी। तो टाइम तकरीबन 7 बज गए, मगरिब का टाइम है, तो अभी हमने सोचा कि हम ना मरी की तरफ मूव करते हैं, मरी जाते हैं। मरी यहाँ से 135 किलोमीटर है, तो अभी इंशाल्लाह मरी पहुँचते हैं, मरी जाके फिर आगे आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ जी इब्राहिम, मरी जा रहे बेटा, ठीक है। बच्चों को मरी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए अवैस भी खुश है और इब्राहिम भी खुश है। मैं तो अवैस का ना बड़े बड़े मैया के बर्फ के कोड़े में ना आगे मारूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, गाड़ी के ऊपर डालूंगा बर्फ, गाड़ी के ऊपर डालोगे बर्फ। हाँ। चलो ठीक है, आज का जो व्लॉग है ना हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मरी का व्लॉग है ना वो आपके साथ कल शेयर करेंगे, और फिर आगे हम जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। रास्ते में अभी हम सिर्फ KFC रुके थे, मरी में जाके हम जो भी रूम शूम लेंगे ना आपके साथ उसके प्राइसेस भी शेयर करेंगे। तो इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।